फोटोग्राफी के हर क्षेत्र में कैमरा गियर्स महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब फोटोग्राफर पर निर्भर करता है कि वह किस तरह की फोटोग्राफी करना चाहता है। फोटोग्राफी में शुरुआत करना जितना ही आसान लगता है, ये उतना ही मुश्किल है, और फोटोग्राफी के लिए सही उपकरण चुनना उससे भी मुश्किल। जब बाजारों में फोटोग्राफी के इतने सारे उपकरण मौजूद हों तो वाकई में कोई भी उलझन में पड़ सकता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जिसे खिलौनों की दुकान से केवल एक खिलौने को चुनने के लिए कहा जाए, है ना? चुनने के लिए कई बेहतरीन कैमरा ब्रांड्स हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के लेंस भी शामिल हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक फैशन फोटोग्राफर होने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरणों के बारे में जानेंगे। क्रिएटिव हर चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहाँ आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वे अपना सारा पैसा कैमरा बॉडी पर लगा देते हैं और बहुत कम अपने लेंस पर, जो एक समझदारी भरा निर्णय नहीं है। कोई भी कैमरा बॉडी हो, फिर चाहे वो DSLR हो या मिररलेस, हाफ फ्रेम हो या फुल फ्रेम, ये फैशन शूट के लिए वास्तव में इतना मायने नहीं रखता, और अगर कुछ मायने रखता है तो वह है आपका लेंस। इसलिए लेंस पर अधिक इन्वेस्ट करें। अब यदि आप कैमरा बॉडी के साथ तैयार हो तो आपके लिए हाई क्वालिटी लेंस चुनने के लिए यहाँ कुछ सुझाव हैं। सामान्य तौर पर प्राइम लेंस फैशन शूट में सबसे अधिक लोकप्रिय लेंस हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 35mm लेंस, इसे स्टोरी टेलिंग या कहानी कहने वाले लेंस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये मानव आँख की फोकल रचना के सबसे करीब है। इसके अलावा इसकी फोकल लंबाई भी विषय के साथ निकटता प्रदान करती है, जैसे कि वो स्पर्श करने के लिए पर्याप्त करीब हो। इस लेंस के साथ आप फोटोग्राफी की किसी भी शैली से निपट सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही लेंस के साथ आप फोटोग्राफी की किसी भी शैली में शूट कर सकते हैं। 50mm लेंस, जो निफ्टी 50 के रूप में भी जाना जाता है, ये फोटोग्राफर्स के लिए हमेशा से एक पसंदीदा लेंस रहा है, क्योंकि ये कम प्रकाश में भी फोटो लेने के लिए काबिल है। इसके अलावा ये पर्याप्त विवरणों के साथ फुल बॉडी इमेज कैप्चर करता है। 85mm लेंस, इसे क्लासिक पोर्ट्रेट लेंस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से मॉडल के चेहरे में एक चुलबुलापन के साथ साथ चेहरे पर एक स्लिमिंग लुक भी आता है, जो किसी भी रचना के लिए एकदम सही है। उसी के साथ इसका डेप्थ ऑफ फील्ड भी बढ़िया होता है। और इन लेंसेज के अलावा एक 70-200mm टेलीफोटो जूम लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि एक लंबी दूरी से मॉडल को शूट कर सके एक सॉफ्ट बैकग्राउंड के साथ। अब बारी आती है इस क्षेत्र में गलतफहमी को दूर करने की। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि कैमरा और लेंस ही फोटोग्राफी है, जो बिल्कुल गलत है। फोटोग्राफी यानी कि चित्र की रचना, जो प्रकाश से बनता है, जिसमें कैमरा और लेंस एक हिस्सा है। एक फोटोग्राफर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल ये होना चाहिए कि वो प्रकाश यानी कि लाइट को नियंत्रित करे, उसे बनाए और कैप्चर करने में सक्षम रहे। फैशन फोटोग्राफी में स्टूडियो और लोकेशन शूट्स दोनों होते हैं, और शूटिंग के लिए विशिष्ट लाइट इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक उपकरण है स्ट्रॉप्स, क्योंकि वे अन्य रोशनी को कवर करने के लिए सक्षम हैं। गॉडेक्स, एलिनक्रोम, प्रोफोटो आदि कंपनियों में ये उपलब्ध हैं। तो ये मूल बातें जानने के बाद कोई भी ये सुनिश्चित कर सकता है कि शूट केवल उन उपकरणों के प्रकार पर निर्भर करता है जो आप किसी विशेष फैशन शैली को फ्रेम करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो संक्षेप में हम एक फैशन फोटोग्राफर होने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरणों को जानते हैं, वो है कैमरा, शूटिंग की शैली के अनुसार लेंस, SD कार्ड, रिफ्लेक्टर, फ्लैश, लैपटॉप, ग्राफिक टैबलेट, छवियों की एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर, बैकड्रॉप पेपर, स्टैंड, एक्सटर्नल हार्डवेयर, ट्राईपॉड, एक्सटेंशन बोर्ड, स्टूडियो फ्लैश किट्स जिसमें मॉडिफायर्स और डिफ्यूजर्स शामिल हैं, जैसे कि ब्यूटी डिश, स्नोट, ऑक्टागन, सॉफ्ट बॉक्स, अम्ब्रेला आदि। फैशन फोटोग्राफी की शूटिंग करते वक्त आपको किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा, हमें बताइए नीचे दिए कमेंट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहले पहुँचे। और अगर आपको फोटोग्राफी कोर्स और उसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हैं
तो आप हमारे वेबसाइट www.creativeheart.org में देख सकते हैं। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप फोटोग्राफी के बारे में हमारे ब्लॉग www.creativehearts.com में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। अलविदा।